यीशु ख्रिस्त के नाम से आप सबों को जय यीशु। प्यारे भाइयों और बहनों, उपस्थित हमारे सब स्वामी राइट रेवरेंड माइकल अगस्टिस टोप्पो, हमारे एसएससी कमीशन के सदस्यगण, हमारे फादरगण, सिस्टरगण, धर्म कर्मचारियों तथा यहाँ उपस्थित सब ख्रिस्तीय भक्त भाई बहन लोग, जैसे कि हम लोग जानते हैं यह बर्ड्स को संत पापा फ्रांसिस जोसेफ के नाम से जोसेफ को अदा करने के लिए ये साल को रखे हैं, और इसी तरह ये साल दुनिया भर में जोसेफ को आदर कर रही है, सम्मान कर रही है, उसके जीवन के बारे में सोच रही है और लोगों को समझा रहा है कि सेंट जोसेफ कौन था। आज मैं जकरिया स्टोप्पो सिकरी बंगला गांव के निवासी पल्ली टंगला आप सबों को मैं इस प्रार्थना सभा में निमंत्रित करता हूं तथा स्वागत करता हूं। आइए हम लोग इस सेंट जोसेफ को, जो पालक पिता है, जो मरियम को और यीशु ख्रिस्त को अच्छा से देखभाल करके इस दुनिया को मुक्ति दिलाने में सहायता किए हैं, ये दुनिया को बचाने में सहायता किए हैं, इस संसार को रक्षा करने में उसका बहुत बड़ा भाग था। उसने अपने जीवन कैसे बिताया आप सबको पता है, उसका जीवन ज़्यादा कुछ नहीं है, लेकिन जितना भी जिया वो ऐसा जिया कि वो कभी नहीं मरने वाला था, और आज भी जिंदा है वो हमारे दिल में। तो आइए उसी का भक्ति से, उसी को सम्मान करते हुए, उसका गुणगान करते हुए और उससे हम लोग प्रार्थना करने के लिए आज जो सिकरी बंगला मंडली में ऑनलाइन प्रार्थना सभा आयोजन किया गया है, उसमें मैं आप सबों को स्वागत करता हूँ और बड़े भक्ति के साथ, विश्वास के साथ प्रार्थना में भाग लेने के लिए मैं अनुरोध करता हूँ सबों को। जय जीसु। दूध ने मरिया को संदेश दिया और पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साता यीशु में और दुनिया तेरे पापा यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की मां प्रार्थना कर हम पापियों के लिए आप और हमारे मरने के समय। आमीन। देख मैं प्रभु की दासी हूँ, तेरे वचन मुझ पे पूरा होए। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण पवित्र साता यीशु में और दुनिया तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया,
परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए आप हमारे मरने के समय आमीन। और शब्द देह बना और हमारे बीच में रहा। प्रणाम मरिया, कृपा पूरण प्रोत्रे साथ धन्य स्थितियों में और धन्या तेरे घर का पाल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की मां प्रार्थना कर पापियों के लिए आप हमारे मरने के समय आमीन। हमारे लिए प्रार्थना कर हे परमेश्वर की पवित्र माँ, हम प्रार्थना करें हे प्रभु हमेशा के द्वारा तेरे पुत्र क्रिस्त का लेकर जान लिया, हमारी प्रार्थना सुन ले, अपनी कृपा हमारी आत्माओं को प्रदान कर कि हम क्रिस्त के दुख और क्रूस के द्वारा पुनरुत्थान की महिमा तक पहुंच सके, उसी हमारे प्रभु के द्वारा आमीन। पिता और पुत्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाणी में थी आप है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाणी में थी आप है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। पिता और पुत्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वाणी में थी आप है और अनंतकाल तक सदा रहेगी आमीन। संत जोसेफ का वर्ष। हे संत जोसेफ, हम अपने दुख और कष्ट में आपके पास आते हैं और आपकी अति पवित्र रूह से सहायता के लिए प्रार्थना करते हैं। हमें आप पर भरोसा है, आप तो ईश्वर की माँ निष्कलंक कुमारी से पवित्र प्रेम द्वारा संयुक्त रहे। आपने पिता के प्रेम से बालक यीशु को प्यार किया है, आपने उस महान प्रेम का स्मरण कर हम हाथ जोड़ के आपसे यह विनती करते हैं कि क्रिस्त ने हमें लोगों से जिन लोगों को बचाया है उन पर कृपा दृष्टि कर, आप हमारी सब जरूरतों में हमें अपनी शक्ति और सहायता द्वारा संभाले। हे पवित्र परिवारों के संरक्षक यीशु क्रिस्त की चुनी हुई संतानों की रक्षा कर। हे अति प्रेमी पिता, हमें बुराई के हर बंधन एवं उसके हर प्रभाव से बचा। हे हमारे पालक पिता, हम पर दया कर एवं संकट की हर घड़ी में स्वर्ग से हमें सहायता प्रदान कर। आपने बालक यीशु को मरण की जोखिम से बचाया था, वैसे ही आप ईश्वर की पवित्र कलीसिया को शत्रुओं के जाल और हर विपत्ति से रक्षा कर हम सबों को अपनी सुरक्षा प्रदान कर, ताकि आपके उदाहरण एवं आपकी मदद से हम इस धरती पर एक पवित्र जीवन बिता सके एवं एक पवित्र मरण प्राप्त कर स्वर्ग में आनंद के सहभागी बन सके आमीन। संत यूसुफ से प्रार्थना। हे मुक्तिदाता की रक्षक, तेरी जय हो, धन्य कुमारी मरियम के दूल्हे, ईश्वर ने तुझे अपने एक लौते पुत्र को सौंपा, तुझमें मरियम ने अपना भरोसा रखा, तेरे साथ ख्रीस्त एक मानव बने। हे धन्य योसेफ, हमें भी अपने माँ को एक पिता के रूप में देखा और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कर, हमें कृपा दया और साहस दिला और हर बुराई से हमें बचा आमीन। संत यूसुफ की स्तुति विनती।
हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, कृष्ण हमारे सुन, कृष्ण हमारी विनती पूरी कर, स्वर्ग के पिता ईश्वर हम पर दया कर, पुत्र ईश्वर दुनिया के मुक्ति दाता हम पर दया कर, पवित्र आत्मा ईश्वर हम पर दया कर, पवित्र त्रित्व एक ही ईश्वर हम पर दया कर, संत मरियम हमारे प्रार्थना कीजिए, संत जोसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, दाऊद के प्रसिद्ध पुत्र हमारे प्रार्थना कीजिए, धर्म पुरुषों का प्रकाश हमारे प्रार्थना कीजिए, ईश्वर की माता के शुद्ध वर हमारे प्रार्थना कीजिए, पवित्र कुमारी के शब्द रक्षक हमारे प्रार्थना कीजिए, ईश्वर के पुत्र के पालक पिता हमारे प्रार्थना कीजिए, क्रिस्त के उत्साही रक्षक हमारे प्रार्थना कीजिए, पवित्र घराने के स्वामी हमारे प्रार्थना कीजिए, अति धार्मिक योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, अति शुद्ध योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, अति बुद्धिमान योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, अति साहसी योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, अति आज्ञाकारी योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, अति ईमानदार योसेफ हमारे प्रार्थना कीजिए, नीरज के दर्पण हमारे प्रार्थना कीजिए, निर्धनता के प्रेमी हमारे प्रार्थना कीजिए, श्रमजीवियों का आदर्श हमारे प्रार्थना कीजिए, घरेलू जीवन का भूषण हमारे प्रार्थना कीजिए, कुमारियों के रक्षक हमारे प्रार्थना कीजिए, घरों को संभालने वाले हमारे प्रार्थना कीजिए, दुखियों का दिलासा हमारे प्रार्थना कीजिए, बीमारियों का आश्रय हमारे प्रार्थना कीजिए, मरने वालों के संत रक्षक हमारे प्रार्थना कीजिए, दूतों का डर हमारे प्रार्थना कीजिए, पवित्र कलीसिया के प्रतिपालक हमारे प्रार्थना कीजिए, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है प्रभु हमारे सुन, हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें, हे ईश्वर तूने अपने अकथनीय विधान के अनुसार संत योसेफ को अपनी अति पवित्र माता का वर होने की कृपा की है, हम तुझसे विनती करते हैं ऐसा कर कि जिन्हें हम लोग इस दुनिया में अपना रक्षक मानते हैं वह स्वर्ग में भी हमारे लिए निवेदन करे, तू जो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है, आमीन। ग्रीष्म में मेरे प्यारे माता पिता भाइयों एवं बहनों और मेरे प्यारे बच्चों आप सबको जय श्री। पवित्र वचन संयोहन अध्याय 3 वचन संख्या 16 में कहते हैं, प्रभु ईश्वर ने संसार से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को अर्पित कर दिया ताकि जो कोई भी उन पर विश्वास करते हैं उनका सर्वनाश ना हो बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। जी हाँ मेरे प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर ने हम सबसे इतना प्रेम किया कि हमारे खातिर उन्होंने अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में भेज दिया, और हमारे प्यारे यीशु ने पिता का प्रेम को लेकर इस संसार में आए, गोरियों को अपनाया, दिन दुखियों का सहारा बना, बीमार से पीड़ित लोगों को चंगा प्रदान की, हम सबके साथ रहा और अंतिम क्षण में उन्होंने अपना प्राण त्याग दिया, और ऐसा करके हम लोगों के लिए प्रेम का एक अनमोल नमूना चिन्ह दिखाया, अपने लिए ना जीकर लोगों के लिए जिया, यह है जीवन सब संतों का भी। हमारे माता कलीसिया में बहुत सारे संतगण हैं जिन्होंने प्रभु यीशु की तरह अपना जीवन लोगों के लिए जिया, अपने लिए नहीं, अपना जीवन गांव पर लगाकर उन लोगों ने ईश्वर का सुसमाचार प्रचार किया और ऐसे करके ईश्वर का नाम दुनिया के कोने कोने तक फैलाया। उनमें से कुछ संतगण हैं जैसे कि धन्य रानी मरिया, जिन्होंने अपना सारा जीवन गरीब लोगों के साथ बिताए और उन लोगों के विकास के लिए काम किया और अंत में ऐसे ही उन्होंने अपना जान गंवा दी। वेनरेबल फादर मैथ्यू कर्ली कार्टिन ने भी अपने जीवन में
अपना सारा जीवन से ईश्वर के प्रेम को लोगों के साथ बांटा, विशेष करके दीन दुखियों, दलितों, विधवा, अनाथों और गरीब लोगों के साथ वो प्रभु ईश्वर का प्रेम को बांटा और अन्य आत्माओं को प्रभु की शरण में लाए। हम जानते हैं सेंट जॉन बॉस्को ने भी युवा युवतियों के विकास के लिए काम किया और ऐसा करके इन सभी संत और अन्य संतगणों ने प्रभु ईश्वर की महिमा की और तथा ईश्वर का नाम दुनिया के हृदय में बसाए। मुझे यकीन है कि हम लोगों ने बहुत सारे संत के बारे में सुने होंगे, उन लोगों के नाम और कहानी भी पढ़े होंगे, पर इन सभी संतों में से एक ऐसा संत है जो बहुत शांत, साधारण और सामान्य है, वो है हमारे संत योसेफ, प्रभु यीशु के पालक पिता और कुंवारी माता मरियम की अति शुद्ध वर। जिस तरह पिता ईश्वर ने माता मरियम को उसके जन्म से पहले ही प्रभु ईश्वर की मां बनाने के लिए चुन लिया, वैसे ही पिता ईश्वर ने संत योसेफ को प्रभु यीशु के पालक पिता के रूप में चुन लिया। संत योसेफ ने प्रभु ईश्वर की इच्छा को पढ़ा और उसकी आज्ञा को पालन की। संत योसेफ ने माता मरियम और प्रभु यीशु के साथ मिलकर नासरत के पवित्र परिवार को बसाया और उतना ही नहीं, संत योसेफ ने अपना सारा जीवन प्रभु यीशु की तरह अपने लिए नहीं जिया बल्कि माता मरियम और पुत्र यीशु की रक्षा करते हुए बिताए। जब प्रभु यीशु जन्मे तो उन्हें दुर्घटनाओं और अन्य दुष्ट राजा हेरोद जैसों से बचाए और उन लोगों की दुख तकलीफ में संत योसेफ ने साथ दिया, साथ रहा और ऐसे करके संत योसेफ ने माता मरियम को मदद दी ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। हाँ, जब हम पवित्र बाइबल में देखते हैं संत योसेफ के बारे में बहुत ही कम बताए गए हैं और कई पवित्र पुस्तक में संत योसेफ के बोले हुए शब्दों का विचार ही नहीं किया गया है, इसलिए उन्हें अंग्रेजी में साइलेंट जोसेफ भी कहा जाता है, जो बोलते बहुत कम थे पर उसके कार्य बहुत महान और नेक थे। आज उसके अच्छे कार्य के कारण हमारे प्रभु यीशु हम सबके लिए ऐसा कर पाए। जी हाँ, ये ही हमारे संत योसेफ, जैसे देखने में बहुत साधारण थे वैसे ही उसके कार्य भी बहुत साधारण और पवित्र थे, जिन्होंने एक अच्छा जीवन बिताकर हम लोगों के लिए एक नमूना प्रस्तुत किए कि हम भी एक सामान्य जीवन बिताकर बहुत बड़े काम कर सकते हैं। आज हम सब एक परिवार की तरह इकट्ठे हुए हैं संत योसेफ के बारे में मनन चिंतन करने के लिए और आज हम जैसे कि उसके बारे में ध्यान रहे हैं, हम देखते हैं कि संत योसेफ देखने में कोई महान व्यक्ति नहीं थे बल्कि बहुत ही साधारण आपके और मेरे जैसे थे। वो भी हर एक साधारण पुरुष की तरह एक कुंवारी से प्रेम करती थी मरियम, जिसके साथ वो मंगनी भी कर लेती और शादी का रिश्ता बहुत ही जल्द जोड़ने वाले थे, पर ईश्वर की इच्छा कुछ अलग ही था संत योसेफ के लिए। जब से पिता ईश्वर ने अपना इच्छा संत योसेफ को दर्शाए और जब से संत योसेफ ने पिता ईश्वर की इच्छा को हाँ कहा, स्वीकारा पालन करने के लिए, तब से लेकर उसके जीवन की अंतिम क्षण तक संत योसेफ ने बहुत सारे दुख कठिनाई झेले पर उसने कभी भी ईश्वर पर उंगली नहीं उठाई, कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं गया, पर सब कुछ शांत से और खुशी से झेला। विश्वास किया जाता है कि संत योसेफ को प्रभु ईश्वर ने केवल स्वप्न में ही दर्शन दिए। हम देखते हैं कि अन्य संतगणों को प्रभु यीशु या पिता ईश्वर ने बहुत महान तरीके से अपना दर्शन दिए और उन लोगों को पिता ईश्वर के रहस्यों के बारे में बताए, पर संत योसेफ के बाद जीवन में कुछ अलग ही था। उसे कभी भी ऐसा दर्शन नहीं मिला पर केवल उसके स्वप्न में, इसलिए उसे अंग्रेजी में कहा जाता है स्लीपिंग सेंट जोसेफ। इसके बावजूद भी संत योसेफ ने कभी भी ईश्वर पर अपना विश्वास नहीं हटाया बल्कि अपना सारा जीवन इस पर ईश्वर पर विश्वास करते हुए आगे बढ़ा ईश्वर की इच्छा को पूरा करने के लिए। संत योसेफ ने जब से ये तय किया कि वो ईश्वर की इच्छा को पूरा करेंगे, तब से उसके जीवन में बहुत सारे कठिनाई बाधाएं आए। सबसे पहले तो जिस प्रेमिका से वो प्रेम करती थी मरियम, उसके साथ वो अब शादी का रिश्ता भी नहीं रख पाते,
आए और दूसरा वो अपने परिवार से अलग रह रहे थे। ऐसे सफर में उन्होंने बहुत कुछ खोया, पर फिर भी उन्होंने कभी भी ईश्वर के खिलाफ नहीं गया, बल्कि सब कुछ खुशी से सहा। जी हाँ, ये हमारे संत योसेफ। संत योसेफ बहुत ही साधारण संत है और उसे कहा जाता है मरण समय में अगर हम संत योसेफ को याद करते हैं तो संत योसेफ हमारे लिए, हमारे मध्यस्थ के लिए आते हैं और हमारे मरण में हमारे साथ देते हैं, हमारे अच्छे मरण के लिए। माता कलीसिया हमें विश्वास दिलाते हैं कि संत योसेफ बहुत ही शक्तिशाली संत है, जिसके चरण में हम अगर हमारे प्रार्थनाओं को रखते हैं तो संत योसेफ उसे शीघ्र ही उसके पुत्र यीशु के पास ले जाते हैं और पुत्र यीशु संत योसेफ की प्रार्थनाओं को मना नहीं करते हैं, बल्कि तुरंत उसे पूरा करते हैं। जी हाँ, हम सब आज जैसे कि संत योसेफ के बारे में मनन चिंतन कर रहे हैं, हम ईश्वर को धन्यवाद दें सबसे पहले इस महान संत के लिए और हमारे जीवन में जब भी दुख तकलीफ और बाधाएं आए, जब हम परेशानी में होते हैं, जब हमारे मन की मनोकामनाएं बहुत है और पूरा करने में तकलीफ होते हैं, उन सभी प्रार्थनाओं को हम संत योसेफ के शरण में रख दें और संत योसेफ से प्रार्थना करें कि वो हमारी इच्छाओं को पुत्र यीशु के चरणों में रख दें। जी हाँ, आज ये संत योसेफ हमें संदेश दे रहे हैं उसके जीवन से कि हम भी हमारे जीवन केवल अपने लिए ना जिए, बल्कि अन्य लोगों के लिए जिए। हम इस संसार में रहकर बड़े काम तो नहीं कर सकते हैं, बल्कि अपने छोटे छोटे काम से ईश्वर की स्तुति कर सकते हैं संत योसेफ की तरह। जी हाँ, हम सब जानते हैं आज यह सारा संसार पीड़ा और दर्दनाक हालत में है कोरोना महामारी के कारण। बहुत सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी, बहुत सारे लोग अब भी अस्पताल में हैं और बहुत सारे लोगों ने अपना नौकरी, अपना सब कुछ खो दिया और उन लोग अभी ऐसे ही पड़े हैं और बहुत सारे जगह में गिरजाघर अब भी बंद है, उन लोग पाप स्वीकार के लिए भी नहीं जा पा रहे हैं और बहुत सारे घरों में पारिवारिक प्रार्थना भी नहीं है। जी हाँ, इस समय हम भी संत योसेफ की तरह हमारे लिए ना जीकर उन लोगों के लिए जी सकते हैं, बड़े काम तो ना करके बल्कि अपनी छोटी छोटी प्रार्थनाओं से उन लोगों के लिए प्रार्थना करके और जो कुछ भी दे सकते हैं उन लोगों के लिए दान लेकर। जी हाँ मेरे प्यारे दोस्तों, आज हम सब दान लें कि हम भी संत योसेफ के राह पर चलने के लिए प्रयास करें ताकि पिता ईश्वर हमारे सामान्य जीवन से खुश हो और हमारा जीवन अन्य लोगों के जीवन में शांति और खुशी लाए। और हम भी संत योसेफ को याद करते हैं इस महीना में विशेष रूप से कि संत योसेफ भी हमारे लिए प्रार्थना करें कि हम भी ईश्वर की इच्छा को पढ़ के और ईश्वर की आज्ञाओं को पालन कर सकें। यह कहते हुए, ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हमारे संत योसेफ के लिए और आप सब से निमंत्रित करते हुए कि संत योसेफ के मध्यस्थ के जरिए ईश्वर की इच्छा को पूरा करने में हम सबको ईश्वर सहायता दे तथा संत योसेफ ने अपने जीवन में कभी भी पोस नहीं लिया कि मैं ये हूँ वो हूँ, बल्कि अपने सरल जीवन से उन्होंने बहुत कुछ कर दिया। आइए हम ये भक्ति कार्य संत योसेफ के आधार पर बस यही समाप्त ना करें, बल्कि अपने हमारे अंतिम क्षणों तक संत योसेफ को याद करें, उसकी मध्यस्थता हमारे साथ रखें। यह कहते हुए संत योसेफ के साथ हम सब मिलकर उससे प्रार्थना करें कि सारा संसार उसके प्रार्थना से कोरोना महामारी से छुटकारा पाए। धन्यवाद। दया की माला बिनती। हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी हो, हमारे प्रतिदिन का आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रभु के साथ धन्य तिथियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु,
हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, आप और हमारे मरने के समय, आमीन। प्रेरितों का धर्म सार स्वर्ग और पृथ्वी के सृजनहार सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर पर मैं विश्वास करता हूँ, और उसके लवली पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त पर, जो परमात्मा के द्वारा घर में पाड़ा कुंवारी मरियम से जन्म लिया, पोंतुस पिलातुस के सामने दुख उठाया, क्रूस पर ठोंका गया, मार गया, गड़ा गया, निर्मूस में उतरा, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग पर गया, सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर दैवियों रखा है, वहां से जिंदों और मुर्दों का विचार करने को आवेगा। मैं परमात्मा पवित्र करे धर्म ले, धर्मियों का सम्मान, पापों की क्षमा देखा सुना, और अनंत जीवन पर मैं विश्वास करता हूँ, आमीन। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता, हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता, हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ।
प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। प्रभु यीशु के दुख भोग और क्रूस मरण के कारण हे आपा पिता हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे शाश्वत पिता हमारे और सारी दुनिया के पापों के प्रायश्चित के लिए तेरे परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के पावन शरीर और रक्त आत्मा और ईश्वरीयता को मैं तुझे चढ़ाता हूँ। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन हमारे ईश्वर हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। हे पावन ईश्वर हे पावन सर्वशक्तिमान हे पावन हमारे ईश्वर
हम पर और सारी दुनिया पर दया कर। कोरोना वायरस से चंगाई और सुरक्षा के लिए प्रार्थना। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर, दुनिया के सृष्टिकर्ता, ये दुनिया कोविड वायरस के प्रसार और संक्रमण के कारण दर्द और पीड़ा एवं चिंता और अनिश्चितताओं से भर गई है। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमें सहायता, चंगाई और सुरक्षा प्रदान कीजिए। हे पिता, लोगों को गरीबों, भूखों, बेघरों और बेरोजगारों मदद करने के लिए प्रेरित कीजिए। हे जीवन के स्रोत पिता, जो मर गए हैं उन्हें अनंत जीवन प्रदान कीजिए। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, दुनिया के मुक्तिदाता, आपने पवित्र लहू से इस दुनिया को पवित्र कर तथा इसे चंगाई और सुरक्षा प्रदान कर। सभी चिकित्सा कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मियों के मन और हाथों का मार्गदर्शन कर, जिससे वे बीमारों का इलाज अपनी पूरी शक्ति और सर्वदयता के साथ कर सके। हे पवित्र आत्मा, दुनिया के प्रतिपालक, हमारे नेताओं को प्रज्ञा और दूरदर्शिता की आशीष प्रदान कर, जिससे वे प्रेम और दया भाव से प्रेरित होकर इस समस्या का दूरगामी हल निकाल सके। जो संक्रमित हैं उन्हें चंगाई प्रदान कर। जो चिंतित, निराश और अवसरग्रस्त हैं उन्हें शक्ति, साहस एवं नई आशा प्रदान कर। हे पवित्र मां मरियम, कलीसिया और पूरे विश्व की माता, हम सारी दुनिया को विशेषकर हमारे धर्म प्रदेश, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहितों, धर्म बहनों, धर्म समाजियों और विश्वासियों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्यारी माँ, हमारे साथ रह, हमें शक्ति दे और हमारे लिए दीदार। आमीन। हे पिता हमारे, जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा स्वर्ग में है, वैसे तेरी मर्जी होए, हमारे प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरिया, कृपा पूर्ण प्रत्येषा है, धन्या तु स्त्रियों में और धन्या तेरे पाप का फल यीशु। हे सांत मरिया, परमेश्वर की मां, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब हमारे मरने के समय। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की बड़ाई होवे, जैसे वह आदि में थी, आप है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमीन। प्रभु ने अपना जीवन दिया Bye.
प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हे सर्वशक्तिमान शाश्वत पिता परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं ये सुंदर दिन के लिए, विशेष करके इस शाम के लिए, जबकि हम हर रोग, हर बीमार, हर तकलीफ, हर कठिनाइयों से बचने के लिए बड़े भक्ति भाव के साथ संत जोसेफ के पास विनती प्रार्थना किए हैं। हे संत जोसेफ, मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ हमारे धर्म प्रांत के लिए, हमारे महामनियाबर बिशप स्वामी माइकल अकासियुस टोप्पो के लिए, जो भरी संकटों में पड़े हुए हैं। हे संत जोसेफ, उन्हें चंगाई की आशीष प्रदान कर। हमारे धर्म प्रांत के सभी पुरोहितों को, धर्म बहनों को आशीष कृपा दे, ताकि हम भले चंगे रह करके हम तेरे सेवा, आदर और भक्ति कर सके। हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं हमारे एसएससी दल के संचालक फादर हिपोलिटस और उनके साथियों के लिए, जो ये विनती प्रार्थना शुरुआत किए हैं और जारी है। ईश्वर हमारे धर्म प्रांत की एसएससी दल की सभी सदस्यों को आशीष और कृपा दे, हमारे क्रिस्त भक्तों को आशीष दे, हमारे धर्म प्रांत में जितने परिवार है कठिनाइयों में है, विभाजनों में, संकटों में पड़े हुए है, तू रक्षा कर और आशीष प्रदान कर, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों पर आशीष प्रदान करे। आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु। मैं अल्बिस एक्का टंगलापल्ली सिकरे बंगला गांव का एक निवासी, मैं आप सबों को यहाँ उपस्थित हुआ हूँ धन्यवाद का दो एक शब्द बोलने के लिए। मैं सबसे पहले हमारे प्रभु यीशु को धन्यवाद देता हूँ, उसका आशीष, उसका प्रेम, उसका दया के कारण आज हम लोग ये सेंट जोसेफ का आधार में जो आयोजित किया हुआ प्रार्थना सभा में अच्छी तरह से भाग लेने के लिए अवसर मिला, इसलिए मैं प्रभु यीशु को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। उसके बाद में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे बिशप स्वामी को, वो उसी का सहायता से, उसी का इनिशिएटिव से हम लोग को आज इस कोरोना महामारी के समय में भी एकजुट होकर ऑनलाइन आज हम लोग प्रार्थना सभा में भाग लिया, इसलिए मैं हम लोग को बिशप स्वामी को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद मैं हम लोग का एसएससी कमीशन का सभी टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, वो लोग का इनिशिएटिव, वो लोग का केयर से, वो लोग का आशीर्वाद से हम लोग आज बहुत अच्छा से हम लोग सेंट जोसेफ के आधार में प्रार्थना सभा आयोजित हुआ, इसलिए मैं वो एसएससी कमीशन का हर सदस्य को, हर सारे टीम को धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके बाद में हम लोग का प्रीचर जो आज हम लोग को इतना अच्छा वचन सुनाया, सेंट जोसेफ के बारे में इतना अच्छा से हम लोग को सुंदर वचन सुनाया, उसको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे पल्ली के फादर परिस प्रिस्ट को, मार्कोस लकड़ा को, जो हम लोग को सिकर बंगला में आकर यहाँ हम लोग को प्रार्थना सभा में भाग लेने के लिए अवसर दिया, उसको मैं भी बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ।
मैं आखिर में आप सबों को धन्यवाद देना चाहता हूँ, फादरगण, सिस्टरगण, ब्रदरगण और ख्रिस्त भक्त जो लोग आज हम लोग एक साथ ऑनलाइन सेंट जोसेफ के आधार में जो प्रार्थना सभा में भाग लिए, सबों को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। आखिर में मैं हम लोग का शिकारी बांग्ला बस्ती का जो टीम था आज बहुत अच्छा से वो लोग प्रार्थना चलाया और सेंट जोसेफ का आधार में जो गीत प्रस्तुत किया उसके लिए मैं उन लोग को तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं इतना ही बोलकर मेरा वो धन्यवाद का दो शब्द था उसको अंत करता हूँ। और एक बार जय जिस्यू।